राजधानी सहित पूरे प्रदेश में साल का पहला दिन काफी निराशाजनक रहा, खासकर उन यात्रियों के लिए जो अपने गंतव्य स्थान के लिए इधर से उधर जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है सवारी सुबह से यहाँ पर इसी तरह खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। बसें तो हैं, लेकिन कोई इसका संचालक करने के लिए यहाँ पर ड्राइवर मौजूद नहीं है। कि हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार के 10 वर्ष की सजा और जुर्माने को लेकर जो प्राइवेट बस चालक हैं, सरकारी बस चालक हैं, सभी अपने अपने जिलों और अपने अपने बस स्टैंड पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि इस हिट एंड रन काले कानून को सरकार वापस ले, उनका इससे काफ़ी नुकसान होगा। यहाँ पर जितने भी यात्री आए हुए हैं, साल का पहला दिन है, काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। और यही आलम केवल केसर बाग का नहीं, चारबाग की बात करते हैं, आलमबाग बस स्टैंड की बात करते हैं, कमता बस स्टैंड की बात करते हैं, हर जगह चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सभी जो है उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है। और उनकी डिमांड है कि पहले इस काले कानून को हटाया जाए। साल के पहले दिन होने के कारण काफ़ी संख्या में कई यात्री ऐसे भी हैं जहां बस के अलावा कोई और सवारी नहीं जाती है, वो यहां घंटों से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कुछ यात्रियों और कुछ ड्राइवर से बात करने की कि आखिर उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माता जी, अब कहाँ जाना है आपको? कहाँ पर? कब बजे यहाँ पर आई हुई हैं? यहाँ पर कितने बजे आई हुई हैं? यहाँ से हम 10 बजे से बैठे हैं। 10 बजे से बैठे हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे, पता किया आपने? जाना है तो मान लीजिए बस नहीं जाएगी, फिर क्या करिएगा? बस तो हड़ताल चल रही है, तो क्या करेंगे आप? ले चलेंगे, नहीं ले चलेंगे? भैया क्या नाम हुआ आपका? शिवम जी, कहाँ से आए हैं आप? वाराणसी से आए। कहाँ जाना है आपको? जनपद बहराइच जाना था, गृह जनपद है। अच्छा, लेकिन आज बसों का संचालन बंद है, तो इंतजार। कितने देर से यहाँ पर हैं आप? दो घंटे से ऊपर। तो अब क्या करेंगे? जैसे अब यहाँ पे तो समस्या ये है कि बहराइच ऐसा जनपद है जहाँ पे सिर्फ रोड कनेक्टिविटी से बसों का है, तो अब समस्या ये पड़ रही है कि और कोई कनेक्टिविटी है नहीं, तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं प्राइवेट टैक्सी में इसका इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिव्यांग साथी भी रोडवेज बस स्टैंड पर हैं, अपनी बैसाखी के साथ ये खड़े हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? बहराइच जाना है सर। हाँ, तो बस तो कितने समय से यहाँ पर है आप? 2-3 घंटे से। तो अब यहाँ तो बस की सुविधा तो अभी फिलहाल हड़ताल में है लोग, सारे लोग, फिर क्या करिएगा आप? अब देखते हैं, कुछ कोई जुगाड़ करते हैं, क्या करें। क्या शुभ? मोहित वाजपेयी। मेरा नाम राजू कुमार सोनी। क्या दिक्कत है आप लोग को? सर, हमें दिक्कत यह है जो कानून अभी उन्होंने लागू किया है उस चीज़ को रिजेक्ट। क्यों ऐसा क्यों आप चाहते हैं? ऐसा ये है कि एक 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला 10 लाख रुपए कहाँ से देगा, और उसके बाद में 10 साल की जो है सजा कैसे। यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए रोडवेज के जो प्रमुख अधिकारी हैं यहाँ केसर बाग पे, उनके माध्यम से कुछ बसों का संचालन किया जा रहा है जहाँ पर कि कोई और साधन नहीं पहुँच सकता है, और घंटों से यात्री यहाँ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार जो ये रोडवेज के चालक और प्राइवेट बस चालक हैं, उनकी डिमांड कब तक मान सकती है। मैं तुषार राय, दैनिक जागरण, INSTLive.com, लखनऊ से।